हेलो ऑल, वेलकम बैक इन गेम चेंजर्स अगेन। आज फिर से कुछ बहुत ही अच्छे से ट्रेड सेटअप्स मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। कल का डे हमने मिस किया था, स्किप किया था ये कहेंगे, क्योंकि लास्ट टू डेज ट्रेडिंग सेशन के बहुत अच्छे रहे थे हमारे लिए। बहुत अच्छा हमने प्रॉफिट बनाया था, ऑलमोस्ट 5000 प्लस ही बनाया था दोनों ट्रेडिंग सेशन में अलग अलग। तो एक दिन ब्रेक लेना तो बनता है। तो चलिए, कल एक्सपायरी डे है, थर्सडे है, सोच समझ के ट्रेड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट स्क्रिप्ट हमारे पास यस बैंक। यस बैंक रिजल्ट के बाद अच्छा बूम लिया, बुलिश साइड हुआ था, लेकिन फिर से मुझे सेल लग रहा है, हम सेल साइड जाने वाले हैं। यस बैंक को सेल करेंगे 98.20 के नीचे। फर्स्ट टारगेट रहेगा 95, सेकंड टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 93, और स्टॉप लॉस हम यूज़ करेंगे 103। स्टॉप लॉस में आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ सकता है, थोड़ा सा डिस्काउंट आप कर सकते हैं अगर ये शार्पली स्टॉप लॉस की तरफ जाता है तो। ओपन प्राइस इसका जो भी हो, लेकिन आपको जो एग्जीक्यूशन सेल का करना है वो बिलो 98.20 ही करना है। क्वांटिटी थोड़ा सा 100 क्वांटिटी हम घटा देंगे अब की बार, हम 300 टू 350 क्वांटिटी ट्रेड करेंगे, और कोई काउंटर ट्रेड नहीं है यस बैंक में हमारे पास, हम सिर्फ सेल साइड ही जा रहे हैं। नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास ज़ील। बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन इसमें है, ऑलमोस्ट 7 to 8 पॉइंट्स अप डाउन दोनों साइड हो रहा है, लेकिन ज़ील को अब हम बाय साइड पकड़ने वाले हैं। ज़ील को बाय करेंगे 353 के ऊपर हम इसको बाय करेंगे, और फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 359, सेकंड टारगेट रहेगा 360। स्टॉप लॉस हम यूज़ करेंगे 5 पॉइंट का, 348। ज़ील को बाय करने से पहले थोड़ा सा इस लेवल के ऊपर इसको सेटअप होने का टाइम दीजिएगा, एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स। अगर 353 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 2-3 कैंडल जनरेट कर रहा है, वॉल्यूम जनरेट कर रहा है, तो आप 353 के ऊपर इसको बाय साइड एग्जीक्यूट कर दीजिए। डेफिनेटली मैं श्योर हूँ कि ये 360 तक जाएगा। क्वांटिटी हम ट्रेड करेंगे 200 to 250, और ज़ील में भी कोई काउंटर ट्रेड लेके नहीं चल रहे हैं, सिर्फ बाय साइड ही हम इसको ट्रेड करेंगे। एक ऑप्शन का कॉल मैं हर बार अपने स्किप में डाल रहा हूँ, सो एक फिर से एक जैकपॉट टाइप का ऑप्शन का कॉल है हमारे पास, BPCL। 340 PE हमको बाय करना है 1.8 के लेवल से, और क्लोजिंग इसका 1.85 रहा है आज। अगर आपको 1.8 का लेवल मिल जाता है तो डेफिनेटली आप इसको बाय कीजिए, और टारगेट इसका 5 प्लस ही रहेगा फ्राइडे तक। स्टॉप लॉस हम यूज़ करेंगे 0.60 का, तो हमारा जो लॉस अगर हुआ तो हमारा 1.2 का लॉस होगा, और लॉट साइज जो है इसका 1800 है। अगर आप बहुत ही डिफेंसिव ट्रेडर हैं तो मैं कहूँगा कि आप इसको ट्रेड मत कीजिए, लेकिन अगर आप थोड़ा सा रिस्क कैपेबिलिटी लेना चाह रहे हैं तो आप इसको डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हैं। 9000 तक आपको प्रॉफिट दे देगा, 2000 रुपये के रिस्क पर। नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारे पास बाटा इंडिया। बाटा इंडिया को मैं सेल की साइड सोच रहा था कि ब्रेकडाउन हुआ है तो शायद और नीचे जाएगा, लेकिन फिर से बाटा इंडिया बहुत अच्छे से बुलिश सिग्नल दे रहा है। बाटा इंडिया को बाय करेंगे 1355 के ऊपर। फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा 1368, सेकंड टारगेट रहेगा हमारा 1371। स्टॉप लॉस हम यूज़ करेंगे 1344। क्वांटिटी हम ट्रेड करेंगे 100 to 120। फर्स्ट टारगेट भी हमारा हिट हुआ तो हमारे पास 100 क्वांटिटी में ही 1.5 से 2000 रुपये आ जाएगा, और क्वांटिटी कम रखेंगे क्योंकि स्टॉप लॉस थोड़ा सा हमारा वाइड ब्रॉडर हो गया है। बाटा इंडिया को 1355 के ऊपर ही एग्जीक्यूट करें बाय साइड में, और कोई काउंटर ट्रेड नहीं है बाटा इंडिया के लिए भी हमारे पास, हम सिर्फ इसको बाय साइड ही ट्रेड करने जा रहे हैं। इवन आज कोई भी काउंटर ट्रेड किसी भी स्किप में नहीं है हमारे पास। USD INR हमारे पास नेक्स्ट स्किप है CDS सेगमेंट से। USD INR जैसे मैंने कहा था आपको कि 68.80 के नीचे अगर स्टे करता है तो फर्दर डाउन देखा जा सकता है, बट शार्पली इसने 68.90 के ऊपर अच्छे वॉल्यूम के साथ में बैकअप किया है, रिकवर किया है, सो इसको हम बाय साइड ट्रेड करने जा रहे हैं। USD INR को हम बाय करेंगे 68.90 के ऊपर। फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा 69.08 एंड सेकंड टारगेट रहेगा हमारा 69.12। स्टॉप लॉस हम यूज़ करेंगे 68.72। क्वांटिटी आप ट्रेड कर सकते हैं 12 to 15 लॉट्स, 10 लॉट्स भी करेंगे तो अच्छा रहेगा, और कोई काउंटर ट्रेड नहीं है USD INR के लिए। इवन अगर आप चाहें तो आप 69 कॉल भी ट्रेड कर सकते हैं USD INR की फ्राइडे एक्सपायरी वाली। अगर आप को उसके बारे में नॉलेज नहीं है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर दिस ऑल स्क्रिप्ट। आपकी डेफिनेटली अगर एग्जीक्यूट हो रही हैं तो हिट होंगी, थोड़ा सा वेट कीजिएगा कल, क्योंकि मार्केट रेंज बाउंड रहता है थर्सडे को, आपको पता है, तो पेशेंस दिखाना पड़ेगा कल आपको। पॉइंट्स फिर से वही मैं आपको एक फिर से बताने जा रहा हूँ एक बार, प्लीज़ ये नोट डाउन कर लीजिए अपने माइंड में
कैपिटल जिनकी 20 से 25 हज़ार है, प्लीज़ जो मैं क्वांटिटी सजेस्ट करता हूँ आपको लगता है तो बहुत ही कम क्वांटिटी है, पर प्लीज़ आप उसी क्वांटिटी पे स्टिक रहिए, आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। वो टाइम भी आएगा जब हम इसी क्वांटिटी को डबल कर देंगे सेम कैपिटल यूज़ करते हुए। सो प्लीज़ पेशेंस दिखाइए, राइट टाइम एग्जीक्यूशन ज़रूरी है और करेक्ट स्टॉप लॉस यूज़ कीजिए। राइट टाइम एग्जीक्यूशन के मीन है कि स्पाइक में एकदम से बाय मत कीजिए, स्पाइक मार रहा है ट्रेड मारने दीजिए, अगर निकल गया हाथ से निकलने दीजिए, लेकिन जब तक आपका लेवल के थोड़ा आसपास ऊपर ना हो तब तक आप उसको बाय मत कीजिए। एग्जैक्ट टारगेट का वेट मत कीजिए, मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, अगर आपको लग रहा है सेटिस्फैक्ट्री अमाउंट आपको एक ट्रेड से मिल रहा है, आपका डेली का टारगेट 2,000 रुपये है, आपके माइंड में सेट है, अगर 5 स्किप डेली की रहती हैं, अगर आपको 700 से 800 एक स्किप से मिल रहा है तो बुक कर डालिए, एग्जैक्ट टारगेट का वेट करने का ज़रूरत नहीं है। और स्टॉप लॉस के साथ फाइट मत कीजिए, हिट हो गया है होने दीजिए, हर दिन ज़रूरी नहीं है कि प्रॉफिटेबल है, समटाइम्स पॉसिबल है कि लॉस भी हो सकता है, सो बस उसके साथ रिवेंज मत लीजिएगा, हिट हो गया है उसको रहने दीजिए। एंड पूरे डिसिप्लिन के साथ इमोशंस को किल करके ट्रेड कीजिए, एंड आई एम डेफिनेटली श्योर आपका मंथ एंड बहुत ही अच्छा प्रॉफिटेबल में जाएगा, एंड आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, वर्थफुल लगता है आपको, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ भी आपको डाउट लगता है, कहीं भी आपको कन्फ्यूजन है, प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।